अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। कैफे रूम में आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ विंटर की एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। हम सब जानते हैं कि विंटर स्टार्ट हो गई है और विंटर डिमांड करती है कि हम उससे रिलेटेड चीज़ें यूज़ करें, स्पेशली हम उससे रिलेटेड रेसिपीज़ को इस्तेमाल करें, जैसे गाजर का हलवा हो गया, नट्स हो गए, फ़िश जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, बोन्स की डेवलपमेंट में। इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते विंटर के हिसाब से। तो इसी हिसाब से मैंने आज की रेसिपी डिज़ाइन की है आप लोगों के लिए, क्रिस्पी फ्राइड फ़िश की। मैं इसको एक ऐसे इजी तरीके से आप लोगों के लिए बनाऊंगी कि आप लोग इसको टेस्ट भी इंजॉय करेंगे, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी आप लोगों को साथ साथ मिलेंगे। फ़िश नो डाउट एक बड़ा ज़बरदस्त सोर्स है प्रोटीन का, वाइटामिन का, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो हमारे हार्ट को, हमारे दिल को अपनी जगह मेंटेन करने में, हमारे हार्ट को सही तरह वर्क करने में बहुत हेल्प करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो फ़िश में फ्राई करने से वेस्ट ना हो, तो उसके लिए रिकमेंडेड होता है कि आप ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल इसको यूज़ करें फ्राई करने के लिए। इसी तरह मैं आज की रेसिपी जो है वो ऑलिव ऑयल में फ़िश आप लोगों को फ्राई करके दिखाऊंगी, और आप इसमें मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आप चार्ट में नोट डाउन कर लें कि इसमें मैं कौन से इंग्रेडिएंट्स कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना करूँगी, और मैं आपको इसको स्पेशल तरीके से वॉश करने का भी तरीका सिखाऊंगी कि किस तरह से उसकी एक ख़ास फ्रेगनेंस से हम बच सकते हैं और वो रिमूव हो सकती है स्पेशल तरीके से वॉश करने से। सो आप इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 1.5 किलो फ़िश, आप कोई भी फ़िश यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें वाइट रहू यूज़ की है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, नींबू का रस 1 टेबलस्पून, इमली का पानी, मैंने इमली भी गोदी थी थोड़ी सी, तकरीबन एक चम्मच के करीब पानी के अंदर उसका पानी निकाल लिया था वो 2 टेबलस्पून, ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन 3 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, दही यानी योगर्ट 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली क्रस्ट, लाल मिर्चें जो कुटी हुई होती हैं दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं 1 टीस्पून, नमक, सॉल्ट 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरे का पाउडर 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी का पाउडर 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून या आप 1 टीस्पून फुल भी ऐड कर सकते हैं, गरम गरम मसाला 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, चिली सॉस 1 टेबल टीस्पून या टेबलस्पून में डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, एग अंडा 1 अदद, ऑलिव ऑयल जो हम मैरिनेशन में ऐड करेंगे वो 1 टेबलस्पून है। उसके अलावा मैं इसको फ़िश को क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए, वॉश करने के लिए यूज़ करूँगी सफ़ेद सरका, वाइट विनेगर 2 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और मैं इसके अंदर डालूँगी 4 कप्स ऑफ वाटर। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने फ़िश को एक ख़ास प्रोसीजर से वॉश करना होगा। इसको वॉश करने से एक ख़ास किस्म की फ्रेगनेंस होती है फ़िश में, वो आप लोगों की निकल जाती है और फिश एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेके आती है। मैंने फ़िश को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करवाया ताकि हम जब इसको मैरिनेट करें तो मसाला अच्छे से तमाम पीसेस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और फ्लेवर दे। देखिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस किए, अगर आप देखें तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली फ़िश के पीस बड़े भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अब सबसे पहले वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका, और मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। ये देखिए 2 टेबलस्पून फुल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सिरका, और मैं इसके अंदर पानी 4 गिलास पानी डाल रही हूँ ताकि फ़िश अच्छी तरीके से इसमें सोख हो जाए, भीग जाए। ये देखिए इसमें मैंने करके उसके बाद मैंने इसको मिक्स करना है, इतना अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि सारी फ़िश के अंदर मसाला ये जो बैटर है ये मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट्स के बाद मैंने देखें इसको ड्रेन किया तो इस तरह से फ़िश मेरे सामने आ गई है, और इसकी बिल्कुल फ्रेगनेंस इस तरह की नहीं है, वो बैड जो फ्रेगनेंस आ रही होती है। फ़िश जो है मेरी मैरिनेशन के लिए रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा मैरिनेशन का होगा। मैं मैरिनेशन के लिए सबसे पहले क्या करूँगी कि मैं बेसन के अलावा बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर दूँगी। वेरी सिंपल रेसिपी है कि आप बेसन के अलावा तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करें और इसको कम से कम भी तो 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप इसको कम मैरिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ऑप्शन अच्छा है कि अगर आप ज़्यादा मैरिनेट करेंगे तो ज़रा मसाला अच्छे से मिक्स होगा। ये मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ इमली का पल्प, 1 टेबलस्पून इमली मैंने पानी में भिगो के उसका पल्प निकाल लिया था, ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद मैं इसमें 1 एग, 1 अंडा यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि ये एक क्रंची फ्लेवर लेके आता है, क्रंचीनेस लेके आता है फ़िश के अंदर, तो ये आप इसके अंदर ऐड करेंगे।
उसके बाद मैं इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, वन होल लेमन था उसका मैंने जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर योगर्ट यानी दही ऐड कर रही हूँ। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी मैंने इंग्रेडिएंट बॉक्स में इसी वजह से मेंशन कर दी इंग्रेडिएंट चार्ट में, ताकि आप लोग उसको अच्छे से नोट डाउन कर लें और इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंगली फिर अरेंज कर लें। उसके बाद मैं अपना स्पाइस प्लेटर लेके आ जाती हूँ और ये तमाम स्पाइसेस हैं इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, और इनकी तमाम की क्वांटिटी भी मैंने इंग्रेडिएंट चार्ट में मेंशन कर दी है। इस तरीके से आप इसको ऐड करेंगे, इसमें हल्दी है, लाल मिर्च है, दड़ा मिर्च है, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, अजवाइन, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। उसके बाद इसके अंदर आपने एज़ डिज़ायर्ड सॉल्ट ऐड करना है, नमक ऐड करना है जितना आप पसंद करते हैं अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंगली। आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टू सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस रेसिपी, जो कि हैं चिली सॉस और सोया सॉस। वो फ़्लेवर बहुत अच्छा लेके आते हैं फिश के अंदर, तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। ये देखिए मैं 1 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस, और 1 टेबल स्पून में इसमें फुल डाल दूँगी सोया सॉस। ये देखिए इस तरह से मैंने डाला इसके अंदर। उसके बाद मैंने इसको एक अच्छे से मिक्स करना है। इस स्टेज पे आके इसकी मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मसाला ऊपर नीचे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और हम इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए इस तरह से मसाला सब चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो रहा है। इसको आप हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए इसको मैं रख देती हूँ 12 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए। 12 घंटे बाद देखेंगे इस तरह के टेक्सचर में फिश हमारे पास आ चुकी है, और आप फील कर रहे होंगे ये थोड़ी सी वाटरी है, यानी थोड़ा सा इसने वाटर छोड़ दिया। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए और इसके फ्लेवर को मज़ीद एनहेंस करने के लिए मैंने अब इस स्टेज पे आकर फ्राई करने से पहले इसके अंदर बेसन ऐड करना है। बेसन की क्वांटिटी जो होगी वो डिपेंड करेगी आपकी इसके वाटरी होने पर। अगर ज़्यादा वाटरी है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन द लेस द बेटर, ठीक है? क्योंकि अगर आप फुल फ्लेवर इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप इसमें उतना ही डालेंगे जिससे जैसे वाटरी ख़त्म हो जाए इसके इसका टेक्स्चर। ये देखें इस तरीके से मैंने इसके अंदर डालना है, और इसको एक दफ़ा मिक्स करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया। मैंने 2.5 टेबल स्पून डाले हैं, और आई गेस ये इनफ होगा इसकी जो वाटरी टेक्सचर है इसको करने के लिए। मीनवाइल मैंने ऑयल भी ऑलिव ऑयल डाल दिया है पैन में, उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि बेसन जो है वो बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स में मिक्स हो जाए। अच्छा, ये टिप है कि आपने बेसन पहले नहीं डाल के रखना, बेसन आपने फ्राइंग से जस्ट 1-2 मिनट्स पहले ही ऐड करना होगा, और जस्ट भी स्टार्ट फ्राइंग स्टार्ट कर देनी है। ये देखिए इस तरह से बेसन डालने के बाद मैं एक अच्छे से मिक्स इसको दूंगी, ताकि मसाले ऊपर नीचे से अच्छे से मिक्स हो जाए, और ये बेसन जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है ये भी सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। फिश की बनावे मेकिंग में हमारा मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो मिक्सिंग और दूसरा मैरिनेशन, ये दोनों चीज़ें इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने में बहुत हेल्प करती हैं। मैं इसको अच्छे से बेसन को मिक्स कर लेती हूँ, और ऑयल के हीटअप होने का वेट करती हूँ, और ऑयल मेरा हीटअप हो चुका है। मैं इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट्स के लिए फ्राई कर लेती हूँ। मीडियम फ्लेम पे इसलिए करूँगी ताकि मसाले अच्छे से ज़रा अंदर से भी कुक हो जाए। ये देखिए इस तरह से मैं सारी फिश के अंदर ऐड करती हूँ, उसे फ्राई कर लेती हूँ। डीप फ्राई करना होगा मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए फिश जो है वो मेरी फ्राई हो चुकी है, मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। फिश मेरी रेडी हो गई है, ज़बरदस्त सी यमी सी फिश रेडी होकर हमारे सामने आ चुकी है। आप इसका टेक्सचर चेक करें, और टेक्सचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कितनी इजी वे में घर के मसालों से मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल की फ़िश रेडी कर ली है। आप लोग इसको घर में बनाएंगे तो आप लोग भूल जाएंगे कि आप लोगों को बाहर भी जाके फ़िश खानी है, और आप नेक्स्ट टाइम से घर में ही बनाया करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों ने क्या मसाले यूज़ किए हैं। आप लोगों ने ऑलिव ऑयल में इसको फ्राई करके इसके हेल्थ बेनिफिट्स पर पूरा पूरा एडवांटेज लिया है। इसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इजी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। आप लोग मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें और इजी वे में उनको कुक करें। मैं वैरायटी ऑफ रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो इजी वे, वो भी इजी वे में, ताकि बिगिनर्स हैं, लर्नर्स हैं, मदर्स हैं, वर्किंग वुमेन हैं, जो जिनकी लाइफ बिजी है, जो कि अच्छे फूड को इन्जॉय करना चाहते हैं, सब लोगों के लिए अच्छी रेसिपीज़ वो इन्जॉय कर सके अपनी लाइफ में। इसी तरह अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो मेरी रेसिपी सारी आप लोगों को मिलती रहेंगी, और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए ईजी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।